प्रिय विद्यार्थियों, आज ये टॉपिक है अपना मृदा वर्गीकरण। देखो, पहले वीडियो मैंने चार प्रकार की मिट्टी करवाई थी और भारतवर्ष में कुल आठ प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अगली चार प्रकार की मिट्टियां कौन कौन सी हैं। नंबर पांच है शुष्क मृदाएं। शुष्क जलवायु के भौतिक कारकों द्वारा इस रेत का निर्माण होता है तथा यह रेत वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने से इस मृदा का धर्म होता है। यह मृदा राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी पंजाब व हरियाणा के लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। वर्षा की कमी होने के कारण यह मृदा अम्लीय होती है, अर्थात ये मिट्टी है शुष्क प्रदेशों की, जहाँ पर बारिश कम होती है, यानी कि जहाँ पर बालू रेत है उसको बोलते हैं शुष्क मृदाएं। और सबसे ज्यादा इसका क्षेत्रफल है राजस्थान में। नंबर छह आती है वनों एवं पर्वतीय क्षेत्रों की मृदा। इस मृदा का निर्माण वृक्षों एवं वनस्पतियों से प्राप्त कार्बनिक पदार्थों के गलने सड़ने से होता है। यह मृदा जम्मू कश्मीर, सिक्किम, असम एवं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में इस मृदा का विस्तार 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस मृदा के कण बड़े होने के कारण इनमें जल धारण क्षमता ज्यादा होती है, यानी कि वन और पर्वत, जहां पर वनों की संख्या ज्यादा या पर्वतीय भाग है वहां पर इस मिट्टी की अधिकता होती है। नंबर सात है लवणीय या अक्षारीय मृदा। भूमि में बहुत ज्यादा जल जमा होने के कारण इन मृदाओं का निर्माण होता है। इन भूमियों में लवण एवं अक्षार की मात्रा अधिक होती है। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा में मिलती है। पंजाब में इस मृदा का विस्तार लगभग 2 लाख एकड़ है, यानी कि ऐसे प्रदेश जहां पर जल की अधिकता है, जैसे पंजाब में भाई बहुत नदियां हैं, 5 नदी है, तो सबसे ज्यादा ये लवणीय अक्षारीय मिट्टी का होती है पंजाब के अंदर। जहां भी सिंचाई के दिखता है, पानी के दिखता है, वहां पर मिट्टी ज्यादातर पाई जाती है। नंबर आठ दलदली मृदा। इन मृदाओं का निर्माण नम जलवायु से होता है। तटीय क्षेत्रों में आमतौर पर ये मृदाएं पाई जाती हैं। ये मृदा तमिलनाडु, केरल, बिहार का मध्य भाग व यूपी के अल्मोड़ा जिले में पाई जाती है। इन मृदाओं में लोहांश एवं जीवांश की मात्रा अधिक होती है, अर्थात दलदली मिट्टियां मतलब समुद्री तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली मिट्टियां। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज अगली चार प्रकार की मिट्टी शुष्क मृदा, वनों एवं पर्वतीय क्षेत्रों की मृदा, अक्षारीय या लवणीय मिट्टी और दलदली मृदा, तो ये चार मिट्टी आज रिवाइज करनी है। तो कुल हम भारत में पाए जाने वाली मिट्टियां आठ प्रकार की, तो इनको बार बार दोहराओ। धन्यवाद।